नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। मंत्री मोहम्मद अकबर के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। मंत्री के आवास पर जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज। आज रात 9 बजे बड़ी बैठक है शंकरनगर में। ये बैठक होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक है। 13 मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, प्रभारी कुमारी शैलजा, 2 सचिव भी मौजूद रहेंगे, विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू भी मौजूद रहेंगे। मंत्री के आवास में नहीं कोई किसी बाहरी लोगों की एंट्री। तो 9 बजे बड़ी बैठक होने वाली है शंकरनगर में, कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होगी। बता दें आपको, 13 मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। मंत्री के आवास पर जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज। कुछ ही देर में बैठक होगी, आज रात 9 बजे ये बैठक होने जा रही है। बड़ी ये बैठक होगी मंत्री मोहम्मद अकबर के आवास पर। ये बड़ी बैठक होने जा रही है मंत्री के आवास पर, कांग्रेस के दिग्गज जुटेंगे। आज रात 9 बजे ये बड़ी बैठक होगी शंकरनगर में, कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी बैठक कांग्रेस की हो रही है मंत्री मोहम्मद अकबर के आवास पर। बड़ी बैठक होने वाली है मंत्री के आवास पर, कांग्रेस के दिग्गज जुटने वाले हैं। आज रात 9 बजे बड़ी बैठक होगी। बता दें आपको, शंकरनगर में ये कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी ममता लांजीवार जुट रही हैं। ममता, बड़ी बैठक कांग्रेस की होने जा रही है, रात 9 बजे ये बैठक होगी। आखिर कौन कौन से दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं और ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण होगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन जगदलपुर में आज दोपहर को हुआ। कुमारी शैलजा वहां पर पहुंची हुई थी और सभी मंत्री पहुंचे हुए थे। विधायकों को पहुंचने के लिए कहा गया था। उसके बाद में अभी रात 9 बजे मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले में जो है वो 9 बजे बैठक रखी गई है और इसमें सभी 13 मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, कुमारी शैलजा शामिल होंगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बंगले के बाहर जो है वो हलचल शुरू हो गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, किसी और लोगों को जो है वो प्रवेश एक तरह से वर्जित है। 13 मंत्री इसमें इकट्ठे यहाँ पर इस बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष शामिल होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे, प्रभारी जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है वो इकट्ठी होंगी, दोनों सचिव जो है वो सप्तगिरी शंकर उलाका और चंदन यादव शामिल होंगे, और सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू जो है वो इसमें शामिल होंगे। मोहम्मद अकबर जो है अभी मुख्यमंत्री के साथ में दुर्ग गए हुए हैं और इसके बाद 9 बजे बैठक शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि बंगले के बाहर हलचल शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार इस तरह से मोहम्मद अकबर के बंगले में बैठक जो है वो चल रही है। हालांकि मंत्री टीएस सिंहदेव जो है वो अभी ये कहा जा रहा है कि वो बाहर है। तो जो बाकी जो डिटेल आई है जिन अगर हम बात करें मंत्रियों की, तो अब हालांकि टीएस सिंहदेव जो है वो इसमें शामिल हो गया है, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि वो बाहर है, लेकिन बाकी तमाम मंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। 2 विधायक शामिल होंगे, जो संसदीय सचिव है वो, जो प्रभारी सचिव है वो शामिल होंगे। ये बड़ी बैठक होने जा रही है, सभी दिग्गज इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, मोहम्मद अकबर के घर पर बैठक है और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। आखिर क्या वजह रही? क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी बड़ी बैठकें जब होती हैं और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री निवास पर ऐसी बैठकें होती हैं, कोई खास वजह? बिल्कुल, देखिए बैठक की जानकारी है, उसमें सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी बैठक है वो जो है वो अमूमन जो है एक तरह से कहें या तो कांग्रेस भवन में होती है, राजीव भवन में या सीएम हाउस में होती है, लेकिन इस बार मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले में ये बैठक हो रही है और सभी मंत्री जो है वो इसमें शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे और इसके साथ ही जो प्रभारी सचिव है वो शामिल होंगे। एजेंडे को लेकर कुछ साफ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये जरूर है इस बैठक को लेकर जो है वो हलचलें शुरू हो गई है। और कुमारी शैलजा जो है कांग्रेस की प्रभारी सचिव जो है वो कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल होंगी और कहीं ना कहीं मोहम्मद अकबर के बंगले में ये बैठक हो रही है। तो हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी किस तरह की हो सकती है, इसको लेकर ये बैठक हो रही है, लेकिन एक तरह से कहें कि इसके पहले मोहम्मद अकबर के बंगले में इस तरह की कोई बड़ी बैठक
नहीं हुई थी और तमाम मंत्री अगर एक बंगले में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अमूमन या फिर पिछली बार जो बैठक हुई थी वो पहुना में हुई थी, लेकिन पहुना में भी ये बैठक आयोजित नहीं की गई है, मोहम्मद अकबर के बंगले में बैठक आयोजित की गई। और बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो पूरी सीक्रेसी जो है वो बरतने की कोशिश की जा रही है। भीतर अब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया भी अलाउ नहीं है। मोहम्मद अकबर जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ इस समय जो है वो दुर्ग में है, और अभी अगर हम बात करें तो उसके बाद वो वहां पर लौटेंगे, सीधे यहां पर पहुंचेंगे। कुमारी शैलजा भी यहां पर सीधे पहुंचेंगे और तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे। जी, वाकई बड़ी बैठक का जिक्र आप कर रही हैं ममता, की बड़ी बैठक होने जा रही है और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, पर बात यह है कि इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है, आखिर क्या लगता है ऐसे कौन कौन से खास मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन करा जाएगा, रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी बाहर हैं, पहुंचने में उन्हें समय लगेगा और एकदम से ये बैठक। बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ही रणनीति बनेगी या कुमारी शैलजा जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी हो उस पर बात करेंगे। संभागीय सम्मेलन के बाद यहां पर पहुंच रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहम्मद अकबर जो है उनके बंगले में यह बैठक हो रही है। इसके पहले कभी इस तरह की बड़ी बैठक इस बंगले में नहीं दिखाई दी। दूसरे तरह के समीकरण भी अगर हम बात करें तो एक तरह से कहें कि हालांकि मोहम्मद अकबर जो है उनकी स्ट्रांग बॉन्डिंग रही है, लेकिन ये जो बैठक जिस तरह से हो रही है तो एक तरह से कहें कि कुमारी शैलजा भी यहां पे आ रही है, तो क्या और भी जो भरोसा जो है वो एक तरह से कहें कि इस बंगले पर जो है वो एक तरह से कहें कि ज्यादा भरोसा किया जा रहा है बैठक को लेकर, ये अपने आप में जो है वो एक मैसेज तो कहीं ना कहीं जा रहा है। क्योंकि सामने ही अगर हम बात करें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि रविन्द्र चौबे का भी बंगला है, इसके बगल में अगर जो बात करें विधानसभा अध्यक्ष, खैर उनके बंगले में ये बैठक नहीं हो सकती, पार्टी की जो बैठक है, लेकिन अमूमन पहुना में बैठक होती है, सीएम हाउस में बैठक होती है। और अगर हम बात करें तो प्रेमसाय सिंह टेकाम का बंगला है यहाँ पर और जयसिंह अग्रवाल का बंगला है, बैठक मोहम्मद अकबर के बंगले में हो रही है और जाहिर तौर पर जो है वो अपने आप में इसके एक बड़े मायने के तौर पे भी ये देखा जा सकता है। हालांकि शुरुआती तौर पे कहा जा रहा है कि जगदलपुर से लौटकर कुमारी शैलजा जो है जो संभागी जो सम्मेलन हुआ है उसके बाद जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है उस पर आगामी चुनावों को लेकर के रणनीति तैयार होगी, ये माने हम। आप लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे ममता, जानकारी को साझा करने के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बस्तर में पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस की जगदलपुर में बस्तर संभाग की बड़ी बैठक हुई। जगदलपुर में भरोसे के सम्मेलन के बाद बस्तर संभाग की बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का, विजय जांगिड़, बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर के सातों जिलों के जिला अध्यक्ष के साथ ही मंत्री, विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। जगदलपुर के एक निजी होटल में आयोजित कांग्रेस की संभागीय बैठक में बस्तर के कांग्रेस नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की योजनाओं के साथ हितग्राहियों तक पहुंचना जरूरी है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने बस्तर में 15 साल के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का रंका बज रहा है। कमेटी के द्वारा आयोजित बस्तर के संभागीय सम्मेलन में हमारे प्रभारी शैलजा जी और उनके सहयोगी जांगिड़ जी और सप्तगिरी उल्का जी भी सचिव दोनों उपस्थित थे और प्रदेश के तमाम नेता भी यहाँ मौजूद रहे। बस्तर संभाग के सभी साथियों के पदाधिकारियों का यह सम्मेलन और 4 घंटे तक लगातार यह सम्मेलन चला और इसमें बूथ प्रबंधन से लेके सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य के नाकामी और सरकार की उपलब्धि, इन सब विषयों की चर्चा हुई और इनको लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे। और बस्तर बदल रहा है, बस्तर में शांति लौटा है और इस बात की चर्चा सभी तरफ है और बस्तर के लिए अनेक योजनाएं हमने दी है जिसका लाभ बस्तर के लोगों को हुआ है। मुख्य उद्देश्य यही है कि फिर से इम्तिहान की घड़ी है, चुनाव आ रहा है और
और हमारी कांग्रेस पार्टी के जो स्तंभ हैं हमारे कार्यकर्ता नीचे ज़मीन पर सालों से मेहनत कर रहे हैं, फिर से इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। बस्तर में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, 12 की 12 सीट इस बार फिर से हम जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भावुक हो गए। शहीद महेंद्र कर्मा को याद करते हुए भावुक हुए। इसके अलावा भाजपा सरकार के दौरान अपने ऊपर हुए दुर्व्यवहार की बातें कहते कहते सीएम बघेल की आंखों से आंसू निकल गए। साथियों, सरपंच को हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा मूर्ति का अनावरण कर दिया, मुझे इन पर भोजन करने नहीं दिया, तुरंत जाइए। हम उस दौर से गुजरे, और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, संभागीय सम्मेलन का मौका था और सीएम भूपेश बघेल भावुक नजर आए। जगदलपुर में संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें तो जो तमाम जो प्रदेश के मंत्री, विधायक और प्रदेश प्रभारी, स्वयं खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का जब संबोधन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री ने महेंद्र कर्मा को याद करते हुए भावुक हो गए और उन्होंने जो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के जो बलिदान दिए हैं इसको याद किया और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की बात की। साथ ही आज जो पूरे 700 जिलों के लगभग 2000 कार्यकर्ता सभा में मौजूद थे, मुख्यमंत्री ने उनको बस्तर के जो 12 सीटें हैं उसको जीत का मंत्र दिया और कहा कि दोबारा सरकार प्रदेश में बने, बस्तर में 12 सीटें दोबारा आए और यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे नेताओं की होगी। साथ ही तमाम जो आज जो ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में जितने मंत्री थे, जितने विधायक थे, सभी ने एकजुटता की बात की, संकल्प लिया, कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने की बात कही और प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए तैयार रहने की बात कही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। कांग्रेस के बस्तर सम्मेलन पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि बस्तर से कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए कांग्रेस घबराई हुई है। बस्तर में 2018 के परिणाम के विपरीत इस बार परिणाम होगा। पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो संभाग स्तर के सम्मेलन कर रही है। बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। नेताओं से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संभागीय सम्मेलन में कम से कम पीसीसी के अध्यक्ष के फोटो लगाने की अनुमति वहां के कार्यकर्ताओं को अवश्य देंगे। वहां के फोटो वोटो निकाल करके उनका बस्तर में कांग्रेस की हवा खिसक गई है और ये बात विदित हो रही है। इस बार कांग्रेस वहां जिस प्रकार से पिछले बार सीट उनको मिले थे, इस बार वो पराजित हो रही है और इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए पूरे ताकत के साथ में बस्तर के दौरे पे गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, युवती का अश्लील वीडियो बनाया है। आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो बनाया, अश्लील वीडियो बनाया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने राहुल पानेका को गिरफ्तार किया है। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, ट्रेडिंग ऑफिस में चोरी का यह मामला है। अशोका रतन स्थित ट्रेडिंग ऑफिस में चोरी हुई है। पुलिस ने 9 आरोपियों को
को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को रायगढ़ से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी चंद्रभूषण डंडसेन अब भी फरार बताया जा रहा है। मामले में अब भी तीन आरोपी फरार हैं। आरोपी के पास से 14 लाख रुपए बरामद किए गए। 3 लैपटॉप, एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से, ये बड़ी खबर है जहां पर ट्रेडिंग ऑफिस में चोरी का ये मामला है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ इनसे जारी है। आरोपियों के पास से 14 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 3 लैपटॉप, एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मामले में अब भी तीन आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ट्रेडिंग ऑफिस में चोरी के मामले में 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी देखिए, ट्रेडिंग ऑफिस में वहीं के काम करने वाला एक चिंटू था, अपने अन्य लगभग 12 साथियों के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद सभी साथी के साथ वो फरार हो गया था। सभी जो उनके जो साथी थे योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिए थे। आज इसमें से 14 लाख रुपए, एक जिंदा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक देशी कट्टा को पुलिस ने बरामद किया है। और चोरी के जो रकम है 14 लाख रुपया, उसे भी रिकवर किया है। और लैपटॉप को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पुलिस और भी जो फरार आरोपी है, मुख्य आरोपी चिंटू अभी वो फरार है, जिसकी तलाश में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया युगल। रायगढ़ में चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव के दूसरे दिन भी कई राज्यों के रामायण दलों ने प्रस्तुति दी है। आज झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, हिमाचल, गोवा, छत्तीसगढ़ के रामायण दल अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इन राज्यों के बीच रामायण प्रतियोगिता होगी। आज भजन गायक हंसराज रघुवंशी और लखबीर सिंह लखा भजन पेश करेंगे। सिया राम मैं जान, सिया राम मैं जान, करत हूं सबके मैं पद वंदन, प्यारे के ते लाज बचा ले, हे कौशल्यानंदन। अभी आप नवधा भक्ति के भावपूर्ण प्रस्तुति, सुंदर झांकी के माध्यम से देखे हो, सुने हो। आओ यही प्रसंग में, ये प्रसंग की कुछ गूढ़ तत्व, ये प्रसंग हमला का संदेश देते, एक और ऊपर थोड़ा सा हम चिंतन करन, विचार करन, मनन करन। भगवान राम हा माता सबरीला नवधा भक्ति के उपदेश दिस। नवधा भक्ति माने 9 प्रकार के भक्ति। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानन कि ये भक्ति का है। देखो, ज्ञान, भक्ति और कर्म, कर्म ये 3 ठन रद्दा है। तो हमला कते रद्दा में चलना ही विचार करके देखना है। तो सबसे पहली हम समझन कि ज्ञान का है। ज्ञान मने भगवान ले जानना। भगवान ले जानना, लेकिन भगवान ले जाने भर से काम नहीं चले। बुरहानपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। आंधी से गिरा टॉवर, मकान पर टॉवर गिरा, एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आंधी से टॉवर गिरा है मकान पर, यह टॉवर गिरने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कोंडा गांव से, यह बड़ी खबर है। टॉवर गिरने की यह खबर मिल रही है बुरहानपुर से। आंधी से टॉवर गिरा
सेट है। मकान पर टावर गिरने की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंधी तूफान की वजह से टावर गिरा है, मकान पर टावर गिरा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मौसम का मिजाज बदला हुआ है, कई जगह पर आंधी तूफान की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ऐसी एक तस्वीर बुरहानपुर में देखने को मिली है, जहां पर टावर गिरा है और मकान पर ये टावर गिरने की खबर मिल रही है। तो एक शख्स के घायल होने की खबर मिल रही है। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कोंडागांव में 18,000 की अवैध शराब बरामद, कार से शराब बेच रहे कोचिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेली में कर्मचारी संगठन की हड़ताल जारी, पूर्व मंत्री और मुंगेली विधायक पन्नूलाल मोहले ने हड़ताली कर्मचारी संगठनों का किया समर्थन। कवर्धा में जेसीसी जे ने किया विरोध प्रदर्शन, वनरक्षक भर्ती मामले में जताया विरोध। रायपुर में मोबाइल टॉवर में लगी आग, कबीर नगर की घटना, आग लगने के कारणों का पता नहीं। रायपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो भी बनाया, अपने फर्म में काम करने वाली युवती को बनाया शिकार। रायपुर में चोर ने बेडरूम में लगा रखा था सीसीटीवी, चोरी केस का पुलिस ने किया खुलासा। रायपुर में पटवारियों की हड़ताल का 19वां दिन, 8 सूत्रीय मांग को लेकर कर रहे हैं स्ट्राइक। रायपुर में निकाले गए हाउसिंग बोर्ड के प्लेसमेंट कर्मचारी, पीड़ितों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। और इसी के साथ ही सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही।